Hey guys, welcome back to my channel, अंकित अलग। और आज हम आए हैं डोंडा कॉलेज। डोंडा कॉलेज में आज ओपनिंग है प्रज्ञा केंद्र का। तो जो भी नेता होता आएंगे सब यहाँ कर दिए, बैलून वेलून सब लगा दी है, हम आपको दिखा देंगे। अभी हम तो दिखाएंगे नहीं, वो मेरा साथ जो आया है वो करेगा। स्टाफ है मेरा सॉरी गाइस, मुंह से जबान से निकल गया, जबान ही नहीं रहेगा तो बोलिएगा कहाँ, बोलिएगा नहीं तो जबान आएगा कहाँ से। तो ये सब सीखना आप लोग को बहुत जरूरी है। घरों में तो चबड़ चबड़ करते हैं, तो यहाँ भी आप लोग चबड़ चबड़ करके अपना फॉलोअर्स बढ़ाइए। और माला हम पहन लिए हैं क्योंकि माला बच गया है, अभी आएगा वो लोग करेगा। ये मेरे बेबी के लिए रिबन अभी ओपनिंग हो जाएगा, छोटू करेगा ओपनिंग। हाँ छोटू ले लिए सर यहाँ से गिफ्ट सब। अब जा रहे हैं हम लोग खाना पैकिंग करवाने और नाश्ता। तो गाइस अभी हम लोग का नाश्ता पैकिंग हो गया है, अब हम लोग ले जा रहे हैं प्रज्ञा केंद्र जो अभी न्यू खुला है। और छोटू बहुत बिजी है, जो मंगवाया है उन्हीं से बात कर रहे हैं। अभी बस पैकिंग हो जा रहा है, अब हम लोग वहाँ तुरंत अभी लेके जाएंगे। बिना ब्रेक का गाड़ी मिला है तू बोल। अब चलिए अब हम लोग वहाँ का डेकोरेशन मिलवाते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं। समोसा खा लिए, पेट भर गया, बिंदास पूरा फुल वीडियो देखिएगा। हम लोग ये कृष्णा पार्क, और ठीक कृष्णा पार्क के सामने जाता है ये रास्ता, ये साइंस ब्लॉक। और यहाँ पे खुला है प्रज्ञा केंद्र, तो आप आके यहाँ पे अपना काम करा सकते हैं, आइए। और ये है डेकोरेशन सारा, आप देख सकते हैं। आप यहाँ के कुछ भी ई कल्याण फॉर्म ये वो सब भर सकते हैं, आधार कार्ड पैन कार्ड। और यहाँ अंकित बैठे हुए हैं, अंकित भैया आज देखिए ये है प्रज्ञा केंद्र, ये जो है ऑफिस खुला हुआ है डोंडा कॉलेज का। यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट को जो भी करवाना होगा, ये अभी आज ओपनिंग हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे। यहाँ से और ये साइंस ब्लॉक है शायद, वहाँ से एंट्री गेट है, वो डोंडा कॉलेज है। यहाँ से आके आप लोग देखिए, यहाँ पर स्टूडेंट आप लोग को पूरा दिंगा बिंदास हो जाइए। अरे कौन सा कॉलेज है यार, कॉलेज डोंडा कॉलेज के स्टूडेंट लोग। और छोटू यहाँ पर बैठेगा, सिस्टम चलाएगा, तो आप लोग इनसे आके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, यही सब संभालेंगे। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। देख लीजिए फटाफट कैसे कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, और भी दिखा रहे हैं। अरे चला तुम आवाज बहुत करता है। केजरिया तेरा इक्स है पिया। नाश्ता तो अभी वहाँ मीटिंग चल रहा, लेके चल गया है नाश्ता। जितने भी स्टूडेंट है उन लोगों को बता दे यहाँ ओपनिंग हो गया है। आप लोग का जितना भी स्कूल, मतलब स्कूल तो नहीं है, कॉलेज का जितना भी काम है आप लोग यहाँ आके वर्क कर सकते हैं। अपना जो भी फॉर्म भरना है ये सब यहाँ प्रज्ञा केंद्र खुल के ओपनिंग हो गया है। और आप कुछ जैसे कुछ भी बना सकते हैं, आप अपना कॉलेज का कुछ फॉर्म भरना वहाँ भर सकते हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान पत्र, ई श्रम, जो भी आपको बनाना है आप आके यहाँ बना सकते हैं। ठीक, ये लैब साइंस लैब है, उतना आपको पता नहीं है, यहीं पर है। आप तो हम रास्ता दिखा देंगे वहाँ पर से, आप लोग का कॉलेज का आप लोग तो जान ही जाइएगा देख के। और डोंडा कॉलेज के नए भी है, फिर भी वो लोग के स्टूडेंट लोग के लिए, ताकि आप लोग यहाँ पर आके जो भी अपना काम है क्या साइंस ब्लॉग में, अच्छा साइंस साइंस ब्लॉग में है, जो भी है आप यहाँ पर कर सकते हैं। और यहाँ अभी आज ही ओपनिंग हुआ है, तो अब यहाँ कौन बैठेगा वो तो नहीं पता, बस ओपनिंग हो गया है। जो भी हम लोग को देखिए यहाँ पर सजावट का जो भी हम लोग को बोला था, थोड़ा तो जूम कर दीजिए भाई, सब चीज़ है यहाँ पर जो है सब हो गया है। अभी मीटिंग चल रहा है, मीटिंग चलने के बाद फिर क्या होगा क्या नहीं, अभी थोड़ा सा एवोल्यूशन हो रहा है, इंग्लिश बोल दिए हम। और बस आप लोग देखिए पूरा, आप लोग का अच्छा बात है कॉलेज का सामने ही, और ऐसा प्रज्ञा केंद्र सब कॉलेज का सामने खुल रहा है ऐसा हमको सुनने आया है। पर इससे पहले गौसना कॉलेज का भी खुलेगा, तो गौसना कॉलेज का स्टूडेंट उन लोग भी जान लो, रोड का किनारे जहाँ बैंक खुलता था वहाँ अभी खुलेगा वहाँ पर प्रज्ञा केंद्र। तो आप लोग भी रेडी हो जाइए, आप लोग का भी काम आसान हो जाएगा। कई दुकान छोटा रहता है, वहाँ भीड़ हो जाता है, आप लोग कर नहीं पाते थे। तो अब डोंडा कॉलेज का स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा है, तो आप देखिए आपका काम आसान हो गया। और जो भी आपको सही लगता है आपका, और खुशी की बात है कि आप लोग का प्रज्ञा केंद्र यहाँ खुल गया, और अच्छी बात है, उससे ज़्यादा हम क्या बोले। और ब्लॉग को पूरा देखिए, आपको अच्छे से जानकारी, आप लोग को जो भी चीज़ जैसे कॉलेज का कुछ फीस जमा करना है, कुछ भी फॉर्म भरना है, यहाँ पर सब अवेलेबल, मतलब सब है, जरूरत का मिलता है, मिलता नहीं है, मतलब बन जाएगा, आधार कार्ड सब हो जाएगा, सब सबमिट हो जाएगा। और बाकी तो आप यहाँ पर आके जो रहेंगे बैठेंगे यहाँ पर सीट होंगे उनसे पूछ लीजिएगा कि हाँ क्या होगा क्या नहीं। अभी के लिए तो अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं, ऐसे तो हमको ज्यादा हम कंप्यूटर चलाते नहीं है,
फिर भी अगर आइएगा अभी यहाँ से मोबाइल से निकल के, तो अभी हम तुरंत बना देंगे, तो ऐसे संभव तो है नहीं कि आप लोग मोबाइल से निकल के आ जाइएगा। बात तो सही है ना, तो हंसी है कि लोग खिलाइए जितना सबको, यहीं पे है ना अभी उसको आने दीजिए ना हम लोग। और कॉलेज अगर बंद भी रहेगा तो ये भी खुला रहेगा, आप लोग को बता दे रहे हैं। अरे हम लोग है ना अभी यहाँ। और कॉलेज यहाँ का बंद भी रहेगा तो ये फिर भी प्रज्ञा केंद्र खुला रहेगा, आप यहाँ काम रुकेगा नहीं। हाँ, जैसे नॉर्मल दुकान खुला रहता है वैसे यहाँ पर खुला रहेगा, आप कभी भी आ सकते हैं, काम हो सकता है। तो गाना हम कहाँ पढ़ते हैं, केसरिया तेरा इक्स है पिया रंग जाऊं जो मैं मारे के इसको हाथ लगाऊं दारू पी के हाथ थरथरा रहा है। ओ गाइस, सुहानी रात ढल चुकी है, ना जाने कब तुम आओगे, ना जाने कब तुम आओगे। जॉब भी प्रोवाइड हो रहा है, आ गया लगता है, जॉब प्रोवाइड नहीं करना है बस, यहाँ जो कैफे में होता है ना सेम वो तो जा रहा है। और डोंडा कॉलेज के जितने भी छात्र छात्राएं हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट है इसके बारे में जान सके कि यहाँ प्रज्ञा केंद्र खुला है। तब तक हम ये पी लेते हैं, रुकिए, बड़ा ही टेस्टी है। तो ऐसे ही टेस्टी की वजह से आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और तब तक हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो दीजिए चीयर्स, बाय बाय।